पूरे प्रदेश में इस वक्त कोरोना का आतंक देखने को मिल रहा है। राजस्थान में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। भीलवाड़ा से ही 53 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। आपको बता दें, महिला का भीलवाड़ा के बांगड़ अस्पताल में इलाज चल रहा था। बता रहे हैं कि उसके एंजियोप्लास्टी की सर्जरी यहां पर हुई भीलवाड़ा में। इसी के साथ में कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़कर 25 तक जा पहुंची और पूरे प्रदेश की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर यहां पर पॉजिटिव लोगों की संख्या 55 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवन संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, 55 का आंकड़ा यहां पर पार हो गया, भीलवाड़ा में इतने सारे केसेस जो सामने आ रहे हैं, 25वां केस बताया जा रहा है इस महिला का। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि लगातार राजस्थान में जो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब आंकड़ा 55 के आसपास पहुंच चुका है। जी, एक और कोरोना का जो पॉजिटिव मरीज है वो सामने आया है, जो भीलवाड़ा की 53 वर्षीय महिला में कोरोना पॉजिटिव संक्रमण के जो मामला है वो सामने आया है। लगातार चिकित्सा विभाग अब और भी मुस्तैदी से काम करते हुए भीलवाड़ा में स्कैनिंग को तेजी करती गई। साथ ही साथ में वहां पर और एक निजी बैंक के तहत एक पहल शुरू की जा रही है। वहीं पे अब कोरोना की जांच के लिए भी लैब तैयार की जा रही है। वहां के CMHO को निर्देश दिया गया कि वहां पर जो लैब के लिए जगह चिन्हित की जाए और वहां पे ही शुरू की जाए जांच। जो कि अब तक जो वहां से सैंपल लिए जा रहे थे वो जयपुर में लाकर उनकी जांच की जा रही थी। वही बात करें तो जयपुर में भी अब तक 10 जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज है वो सामने आ चुके हैं। वही संदिग्धों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और वही बात करें तो जयपुर में अब तक जो 824 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, हालांकि उनमें से जो 43 की जो रिपोर्ट है वो भी आना बाकी है। उसमें भी जो अंदेशा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनमें पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी जिस तरह से लगातार कोरोना के जो दायरा बढ़ता जा रहा है। जी। लोकेश, जिस तरीके से भीलवाड़ा से इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, चूंकि भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहा जाता है, एक बड़ा व्यापारिक जो तबका है वहां से बिलोंग करता है, 25 केसेस 55 में से भीलवाड़ा में सामने आए, प्रदेश के लिए नहीं देश के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। स्क्रीनिंग के साथ साथ और वो कौन से इंतजाम है जो प्रशासन के द्वारा किए गए, क्योंकि स्क्रीनिंग तो इतने दिन से भी की जा रही थी, लेकिन आए दिन हम देख रहे हैं कि भीलवाड़ा से एक से ज्यादा केसेस तो यहाँ सामने ही आ रहे हैं। लोकेश जी बिल्कुल, जैसे ही भीलवाड़ा में पहला केस सामने आया था उसी के बाद में लगातार जो स्क्रीनिंग है वो तेज कर दी और अचानक 7 केस एक साथ भीलवाड़ा में सामने आने के बाद में वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था और कर्फ्यू के बाद में लगातार स्क्रीनिंग की जा रही। जो मरीज पॉजिटिव सामने आए थे उनके संपर्क में आने वालों की स्क्रीनिंग की जा रही है और जो अब तक भीलवाड़ा में जो पॉजिटिव केस सामने आए हैं उनमें अधिकतर जो बांगड़ अस्पताल जहाँ से पहले जी पुष्टि हुई थी उन्हीं से संबंधित जो पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। जो आज जो महिला पॉजिटिव आई है वो भी बांगड़ अस्पताल से ही इलाज ले रही थी, जिसकी एंजियोप्लास्टी वहीं से हुई थी। उसी के साथ में जिस तरह से लगातार जो उन डॉक्टरों से संपर्क में आए जो लोग और उन वहां के नर्सिंग स्टाफ के संपर्क में आए हुए लोगों में भी अब संक्रमण फैलने की जो आशंका है वो चिंता की बात है। वही जिस तरह से आपने पूछा कि भीलवाड़ा में एक वस्त्र नगरी कहा जा सकता है, वहां पे जो फैक्ट्रियां हैं कपड़े की फैक्ट्री सबसे अधिक है, वहां पे राजस्थान के बाहर के जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर हैं वो वहां काम करने के लिए आते हैं और ऐसे में अब उन लोगों की एक और जो चिंता की बात है कि वो लोग पैदल ही वहां से निकल रहे हैं। बिल्कुल, संक्रमण का अधिक फैलने का जो है चांस है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, ताकि यह जो संक्रमण अधिक जैसे ये मजदूर बाहर जाएंगे तो ये संक्रमण कहीं ना कहीं और भीलवाड़ा के बाहर जी तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। लोकेश, आपको एक बार फिर से बता दें, प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहां पर बढ़ती जा रही है। 55 अब जो आंकड़ा है वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पार कर चुका है। भीलवाड़ा वो जिला है जिसमें सबसे ज्यादा केसेस अभी तक देखने को मिले, 25वां केस भी आज यहां पर दर्ज हो चुका है। साथ ही में संख्या बढ़कर 25 भीलवाड़ा जिले की और प्रदेश भर की 55 का आंकड़ा यहां पर पार कर चुकी है। बेहद ही गंभीर और चिंताजनक विषय अब ये हो चला है। प्रदेश से आपको अपडेट दे रहे हैं, राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 55 का आंकड़ा पार कर गई। 54 केसेस कल तक थे, आज एक और केस भीलवाड़ा से सामने आया। आए दिन भीलवाड़ा में इतने ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की यहां पर संख्या देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए भीलवाड़ा से एवन संवाददाता योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, आपका जो गृह जिला है भीलवाड़ा, वहां से 25वां केस भी आज दर्ज हो चुका है। वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को, लेकिन वहीं से इतने ज्यादा केसेस जो सामने आ रहे हैं, 25वां महिला का केस दर्ज हुआ, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में?
आज जो 25वां महिला का केस दर्ज पॉजिटिव केस हुआ है वो भी क्या है कि वो निजी चिकित्सालय बांगड़ में अपना एंजियोग्राफी कराने गई थी जी। जो सारे 25 केस हैं वो सभी उसी निजी चिकित्सालय से जुड़े हुए हैं। पिछले 6 तारीख को यह महिला हृदय रोग से पीड़ित है, इसने अपनी एंजियोग्राफी वहाँ कराई थी, उसके बाद ये संक्रमण उसमें लगा और ये जब उसको सभी हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हैं सबको आइसोलेशन में ले लिया जा रहा है जी, तो संदिग्ध पाए जाने पर उनकी रिपोर्ट भेजी तो वो पॉजिटिव पाई गई जी जी। ज्योति, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। योगेश, आपको एक बार फिर से बता दें, भीलवाड़ा से आपको अभी अपडेट हम दे रहे हैं। आपने हमारे संवाददाता को सुना, 25वां केस के बारे में यहाँ पे उन्होंने जानकारी दी। बांगड़ अस्पताल जो है बताया जा रहा है संदिग्ध अस्पताल, वहीं से सारे केसेस सामने आए। भीलवाड़ा से आपको बता रहे हैं खबर, 25वां केस यहां पर दर्ज हो चुका है। पूरे राजस्थान में यहां पर संख्या बढ़कर 55 का आंकड़ा पार कर चुकी है। लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, बेहद ही गंभीर अब ये चीज हो चली है। लोगों से ये अपील है एवन टीवी की तरफ से कि अपने घरों में रहना और सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक मंत्र यहां पर दिया गया है, दवाई ही इस तरीके से इसे समझिए, मेडिकल टर्म्स में ही इसे देखकर देखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। अभी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए घरों के अंदर रहकर ही हम इस चीज में सहयोग दे सकते हैं। कोरोना वायरस की जो चेन है उसे तोड़ने के लिए अभी सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र ऐसा उपाय है। चूंकि अभी तक कोई भी इस वायरस से लड़ने के लिए मेडिकल टर्म्स में इस प्रकार की दवाइयां नहीं बनी है। के लिए भीलवाड़ा से हॉस्पिटल के अधीक्षक अरुण गौड़ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी, इतने ज्यादा केसेस भीलवाड़ा से सामने आ रहे हैं, क्या जो अस्पताल प्रशासन है उसके द्वारा किस प्रकार से यहां मुस्तैदी दिखाई जा रही है? आने वाला टाइम है उसमें स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है, क्या प्रशासन के द्वारा, आपके हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा क्या नए इंतजाम अब किए जा रहे हैं लोगों को बचाने के लिए? गुड मॉर्निंग मैडम जी। सर, यहाँ पर हमने 200 बेड आइसोलेशन वार्ड में बनाए हैं जी, और मेरे पास 15 बेड की आइसोलेशन आईसीयू है, 15 मेरे पास 14 पॉजिटिव पेशेंट है और 3 पेशेंट ऐसे हैं जिनको पॉजिटिव थे उनको हमने नेगेटिव कर दिया है जी जी जी, और वेंटिलेटर्स मेरे पास पर्याप्त हैं। आइसोलेशन वार्ड में जो मरीज भर्ती हैं उन्हें हम एक 3-स्टार होटल से खाना मंगा के फ्रूट्स और खाना खिला रहे हैं जी। एक एक पेशेंट जो पॉजिटिव पेशेंट है उनको पल्स ऑक्सीमीटर दिए हैं ताकि वो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन खुद चेक कर सकते हैं, उनको म्यूजिक सिस्टम से उनको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जी सर, राउंड द क्लॉक ड्यूटीज लगी हुई हैं और उनको एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का ट्रीटमेंट दे रहे हैं और एक डिस्चार्ज पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी, स्क्रीनिंग पॉलिसी बनाई है जी। हेल्थ केयर वर्कर को हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट दे रहे हैं उनके प्रोफाइलिस के लिए, राउंड द क्लॉक उनकी ड्यूटीज को रोटेट कर रहे हैं जी, और हमारे कलेक्टर बहुत अच्छे हैं, हमारा CMHO कोऑपरेट कर रहे हैं, वो पूरे शहर का सर्वे हो रहा है जी, फर्स्ट राउंड करीब करीब कंप्लीट हो रहा है, फिर सेकंड राउंड होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरिया का भी सैंपल हो रहा है जी, एंड एवरी डे राउंड द क्लॉक मॉर्निंग एंड इवनिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है हमारे मिस्टर राजेंद्र भट्ट वो हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी, एंड टास्क जरूर बड़ा है और टीम का मॉरल हाई है, बिल्कुल, होपफुली दैट वी विल विन। श्योरली श्योरली सर। अरुण जी, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप काफी ज्यादा नजदीकी इन सभी चीजों को देख रहे हैं, काफी ज्यादा नजदीक तौर पर आप सभी पेशेंट्स को, उनकी पीड़ा को और आने वाली चीजों को भी, आने वाला जो खतरा है उससे भी आप अनभिज्ञ नहीं है, आपसे जानना चाहूंगी और चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से ये अपील करें, किस प्रकार से इस कोरोना वायरस, कितना ज्यादा ये घातक वायरस है, किस प्रकार से लोगों को सेल्फ डिस्टेंसिंग अभी खुद को करने की जरूरत है, इस बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इनसाइट जानकारी दें। पब्लिक आंकड़ों पे ना जाएं, आंकड़ों से घबराएं नहीं जी, सोशल डिस्टेंसिंग करें,
एक दूसरे से दूरी बना के रखें, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर्स का थोड़ा उपयोग करें और घरों से बाहर नहीं निकलें। जो गवर्नमेंट चाह रही है और जिसके लिए कई जगह लॉकडाउन किया गया पूरे इंडिया में, कर्फ्यू लगाया गया है, जी, उस चीज को गंभीरता से समझें। इसमें बचाव यही है, ट्रीटमेंट की हमारे पास भीलवाड़ा में पूरा मजबूत सेटअप है एंड प्रिवेंशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। जी सर, जी, काफी ज्यादा बारीकी से आपने हमारे दर्शकों को जो जानकारी दी, काफी उन्हें ईज फील करवाया और काफी पॉजिटिव फील कराया। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये हमारे साथ में भीलवाड़ा से अस्पताल अधीक्षक अरुण गौर जी जुड़ चुके थे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर अस्पताल प्रशासन भी कितना ज्यादा मुस्तैद है, किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जल्द ही स्थिति को नियंत्रित भी कर लिया जाएगा, सिर्फ जरूरत है सोशल डिस्टेंसिंग किस वक्त।